दोस्तों एक्सेल में नंबर्स या फिर टेक्स्ट के दरमियान जो हाइफ़न्स दी गई होती हैं, जिन्हें हम नॉर्मली डैशेस कहते हैं, उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप एक्सेल में नंबर्स या फिर टेक्स्ट के दरमियान दी गई डैशेस को आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है ना, वो सबसे आसान है। तो पहले तरीके की तरफ बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले तरीके की तरफ। तो पहला तरीका है जी फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। आप सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला की मदद से भी टेक्स्ट या फिर नंबर्स के दरमियान दी गई हाइफंस को या फिर डैशेस को खत्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला इक्वल सब्स्टिट्यूट, ठीक है। जब आप सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर जो इसकी आर्गुमेंट है उसमें सबसे पहला आर्गुमेंट है टेक्स्ट। यहाँ पर इस ये जो पहला आर्गुमेंट है इसमें आपने सिलेक्ट करना है वो टेक्स्ट, वो सेल जिसमें टेक्स्ट दिया गया है जहां से आप डैशेस को रिमूव करना चाहते हो। तो मैं इस सेल को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आएगा दूसरा आर्गुमेंट, वो है जी ओल्ड टेक्स्ट, ठीक है। यानी ओल्ड टेक्स्ट ये जो आर्गुमेंट है इसमें आपने वो चीज देनी है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। तो हम यहां से रिमूव किसको करना चाहते हैं, डैश को। तो यहां पर क्या करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर डैश लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद जो तीसरा आर्गुमेंट आ रहा है वो आ रहा है जी न्यू टेक्स्ट। तो न्यू टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहां पर डबल कोटेशन लगा देंगे जिसका मतलब है कि ब्लैंक। अब ये फार्मूला कैसे करेगा, काम कैसे करेगा कि इस टेक्स्ट में जो ये वाला टेक्स्ट है इसको रिमूव कर दे और इसकी जगह पर ब्लैंक कर दे। तो ब्रैकेट बंद करके मैं इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये वाला नंबर है इन इनके दरमियान से जो डैशेज हैं वो खत्म हो चुके हैं। इसको मैं सिंपली क्या कर लूंगा, नीचे ड्रैग कर लूंगा तो जितने भी नीचे नंबर दिए गए हैं तमाम के तमाम नंबर के दरमियान से डैशेज खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं जी दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका है जी रिप्लेसमेंट की मदद से आप डैशेस को खत्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, कंट्रोल एच प्रेस करना है, यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। फाइंड व्हाट में आपने ये डैश लगा देनी है या फिर हाइफन लगा देनी है, ठीक है। और उसके बाद रिप्लेस विद में यहाँ पर क्लिक करके आपने सिंपली क्या करना है, रिप्लेस ऑल करना है। तो जितना भी यहाँ पर टेक्स्ट या फिर नंबर्स के दरमियान हाइफ़न्स या फिर डैशेस होंगी वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं जी तीसरे और आखिरी मेथड की तरफ जो सबसे आसान है। ये भी वैसे इजी मेथड है, जो रिप्लेसमेंट का मेथड है ये भी इजी मेथड है, लेकिन ये जो तीसरा मेथड है ये सबसे आसान आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा मेथड है जी फ्लैश फिल की मदद से। इसमें आपने क्या करना है, पहले सेल में जस्ट आपने वो नंबर्स लिख देने हैं डैशेस के बगैर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल ई प्रेस करना है तो यहाँ पर बाकी जितने भी सेल्स होंगे उन सेल्स में डैशेस के बगैर डाटा आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।